चैनल तो देख रहे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ। तो इस वक्त असं पिंड सुभाषपुर खुर्द जिहड़ा कि डिस्ट्रिक्ट तरन तारण के पैंदा पिंड है और ब्लॉक भी तरन तारण है तो हलका खडूर साहब आउंदा पिंड है। असं वह पिंड उतों के साबका सरपंच सरदार ज्ञान सिंह जी सन ऑफ सरदार सुरता सिंह जी इस वक्त असी उन्होंने अपने साबका सरपंच सरदार ज्ञान सिंह जी के नाल मौजूद हाँ। तो असी उन्हां कोलों उन्हां दे कार्यकाल के टाइम पर उन्होंने जिहड़े पिंड के विकास किए ने उहदे संबंध च उन्हां कोलों जानकारी लवांगे कि उन्होंने अपने टाइम पर जिहड़े भी विकास किए ने उहदे संबंध। तो आओ हुण तुहाडे रूबरू कराउंदे आं आपां पिंड सुभाषपुर खुर्द तों साबका सरपंच सरदार ज्ञान सिंह जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तो अच्छा सर सब तो पहला तो आप ये दसो मैनू कि तुहानू तीन वारी पिंड वासियां ने लगातार सरपंच बनाया सरसमति दे नाल तुसीं उहनां बारे कुछ कहना चाहोगे? मैनू मेरे पिंड वासियां दे बहुत मान सम्मान दित्ता वा तीन द्वारा लगातार उन्होंने मैं सरपंच बनाया वा एक करा मैनू जिला परिषद मैंबर बनाया मैं सारे पिंड वाले नगर वाले का वोटर का धन्यवाद तय दूर धन्यवाद करता हाँ। वाहेगुरु जी की फतेह। तो अच्छा सर आप हूँ गल करिए जी थोड़े किए हुए कमां की तो आप सब तो पहला तो सर गल करते हैं जी अपने असली घर की जोड़ा शमशान घाट है सारे का जोड़ा एंड सर उ ही होना जाके चाहे आप कच्चे मकाना चलीए चाहे पक्के मकाना चलिए अंत उ ही होना असली घर साढ़ा हो गया। तो अच्छा सर जो तीन सरपंच बने से फस्ट टाइम तो तीन वारी तुम बने जे जो पहली बारी बने से तिना चो पहली बारी बने से फस्ट टर्म से उस टाइम पर जी अपनी शमशान घाट आई कंडीशन है वह किदा दी सी? सब तो पहला जी जो मैं सरपंच बनया साडे पिंड की शमशान घाट जी है बिल्कुल ही नहीं सी कि वह हैगी भी तो कच्चे थान पर ही जी कभी उत्थे मुर्दा ही फूकते कभी उत्थे फूकते बहुत वही कड़स अपना तकलीफ होंगी ही क्योंकि वह शमशान घाट जी उस स्थान पर हर एक ने जाना वा खीर वो अपना घर है उत्थे हक का दबिड़ा तो उस समय तो जेड़े लोग ना पहला आते हैं ना मगरों ने वह भी इंसान वो जो मौके पर आते हैं इस करके मैं चीज़ को मुख रखता हाँ मह ये बहुत जी पानी का फायदा करके जी आती है नहीं तो पानी तकरीबन लोगों को चाहिए ना कि लोग वेखते जी ख्याल नहीं करते चाहिए ये लोग सहान चढ़ाते हैं जी पंचायत करे पंचायत हम पंचायत है पंचायत कोई लेबर थोड़ी है लेबर थोड़ी ये साडा पानी अं अपना कर दे अपना घर साफ करके कूड़ा कूड़ा बाहर कर देते जिहड़ा साडा बूहा गलियां तालियां वह भी साडियां वो भी साडा फर्ज बनता साफ कर बिल्कुल इस करके लोग इस बंदे ख्याल नहीं करते जिस करके थोड़ा बड़ा जी गलियां तालियां कोई प्रॉब्लम आती है ये ये भी लोग इस चीज़ का ध्यान रखन तो कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अच्छा सर अपने पिंड कोई जंज घर या धर्मशाला हैगी जी? हाँ जी हैगी है जी एस सी सिंह की धर्मशाला हैगी है। अच्छा जी ठीक है। तो अच्छा सर कोई पिंड च पशु हस्पताल या डिस्पेंसरी हैल्थ डिस्पेंसरी कोई है जी? हाँ जी जिहड़ा हैल्थ डिस्पेंसरी आ वो ते साडे अड्डे च बहुत वधिया चलती है। अच्छा जी। तो जिहड़ा वैटनरी आ ये साडा वा बाहर बुगल पिंड विच बनिया वा बनिया वधिया वा पर उत्थे ये आ भी साडे लोग जिहड़े आ पशु नहीं खड़दे क्योंकि पशु लोग अजक एडे सखाले हो गए कि वह पशु खड़ ली तैयार नहीं गए तो डाक्टर फीस भर देते हैं तो घरों घरी लिया के डाक्टर तो अपना इलाज करा लेंगे तो उत्थे जाते नहीं गए इस करके उत्थे भी जड़ा वा साफ सफाई का काम जरा वा वो नहीं क्योंकि उत्थे कोई गाहक जाए कोई लोग जाए तो सफाई होते मुलाजम रहन कोई साढ़े लोगों की अणगहली उ जाते नहीं इस करके उत्थे हालात जोड़े आडे वधिया वधिया। ਤੇ ਸਰ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈਗੀ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਪੰਚ ਬਣਿਆ ਵਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਪਰੰਪਰਾ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੁਕਲ ਪੈਂਟ ਦਿਓ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਮਿਡਲ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਲੜਕਿਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਲੱਸ ਟੂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਡਲ ਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਬਰਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਬਰਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰਾ ਵਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਾਈ ਕਰਤਾ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ
छप्पड़ पूर के 6-7 फुट उस मिट्टी पा के वो शमशानगढ़ बनाई, वो चार दवाई बनाई और कमरा बनाया तो वो शैड बनाए। सब तो पहला ये मैं काम किया, फिर मैं वो थले फर्श भी लाया। अच्छा जी, हाँ जी। तो फिर साढ़े ऐसी भरावान की जो शमशान घाट आगी वह भी इस तरह छप्पड़ के बनाइया, वो भी मैं बहुत वधिया बनाई, चार दवारी की नलका लाया, उत्थे भी कमरा बनाया तो बैठने वास्ते अपना कुर्सियां वगैरह बनाइया। असली घर है दवांगे ते परमात्मा भी इस चीज ते नाराज हुंदे ने कि अपना असली घर ते देखदे नहीं, अपने घर वाली देखी जांदी है। फिर मुर्दा पुंजे रख के फूक जाने, पुंजे रख के। अच्छा सर, वाटर सप्लाई का किदां पिंड विच? वाटर सप्लाई जरा जी वह भी जदों मैं साढ़े इतने सराद नैणसो का लड़का भजन सिंह जी वो सरपंच बनया है, उदों मैं उदे नाल पंचायत मैंबर सा, तो उदों साडे पिंड वाटर सप्लाई जरा वा ये अपना लगा सीगा, तो वह तकरीबन ठीक ही चलता क्योंकि जिन्नी क बत्ती आती है बत्ती के हिसाब न जिन्नी आती है बत्ती उस हिसाब से लोगों को पानी जरा पी जाता। सही हो रहा, ठीक है। अच्छा सर, अपने गंदे पानी जड़ा है, गंदे पानी का निकास है वह किदा है, वो रुकता तो नहीं जे जिदा गलिया नालिया के जिदे नाल जे रुके तो वह सर जिदा हुण करोना कोविड चल रहा है ये नाल कई बीमारियां लग रही ने ते गंदे पानी नाल, ते इस करके गंदे पानी तो कई बीमारियां फैलदियां ने ते कोविड अगे चल रहा है, ते इस करके अपने गंदे पानी का निकास किदा? गंदे पानी के निकास की जी गली बदलिया जी, जो मैं पहली बार सरपंच बनया तरानवे उदो मैं सब तो पहला सारे पिंड नालियाँ बना के छप्पड़ा पानी कड़िया। अच्छा, फिर मैं सारे पिंड इटा लाइया, सब तो वधिया अपना पिंड बनाया है, पर जिते हम पानी की प्रॉब्लम आती है क्योंकि पिंड गलिया नालिया साफ नहीं करते, तो शहर के होंगे कर्मचारी वो साफ करते, पिंड ईरखा लोग साफ नहीं करते, तो गलिया नालिया जी बंद हो जाए। एक सीवरेज पाया वा उहदे विच का बूटी लिफाफा उहनां दे अपना एक टन च उहनां ने हाई करता, ते उहनां नूं मैं आख्या स्टेडियम दा, स्टेडियम दा वी उहनां ने रुपया 15 लाख देता मार्कफेड नूं क्योंकि मार्कफेड तों बणाउंदे आ। हांजी हांजी, उह फिर जदों आण के मिट्टी कर लगे, मिट्टी साडी निकली घट, ते मैनूं ब्रह्मपुर साहब आखण लगे वी हुण घटिया जगह ते की करिए, तो मैं आखन लगे भी पासे जगह दे, पासे जगह साढ़े को है नहीं गई, इस करके तुम इंज करो ये चारदारी करा दौ, वो फिर ब्रह्मपुर साहब ने चारदारी कराती, तो वो स्टेडियम फिर घट जमीन करके नहीं बन सके, नहीं बन सके। तो दोबारा फिर साढ़े जिमनी चोन आई, ब्रह्म बादल साहब ने रखे इतने संगत दर्शन, तो मैं आख्या बादल साहब मैं तो आगे हाई किया वा अज प्लस टू करके जाओ, उन्होंने फिर उधर लड़कियों का स्कूल प्लस टू कर, प्लस टू लड़कियों का भी साढ़े प्लस टू आ, धन्यवाद करते हैं कि इन सिक्ख्या सर पहल दी, लड़कियां का लड़कियां का जरा स्कूल है वह पिंड ही प्लस टू तक करवा। बाकी फिर जो अतवाद का जोर है उदों भी मैं जाके स्कूले 5-7 दिन मास्टर मीटिंग करता, सलाह मिला कोई तुम प्रॉब्लम सू दसो, असा उ गलत बंदे स्कूल दखलदाजी नहीं करते, साढ़े स्कूल का स्टाफ भी साढ़े चंगे बहुत वधिया सिस्टम चल रहा, बाकी साढ़ा पिंड भी जी भला मानसा कोई पार्टी बाजी नहीं, बहुत वधिया तरीके चल रहा वा, जो भी पंचायत की चोणा होंगे पहले तो गल साढ़े कई साल ही हो गए संपत्ति ने ही चोणा करते हैं, एक ही थोड़ी जी गड़बड़ हुई कि बंद ने एक ही चोड़ हुई है पंचायती नहीं, तो संपत्ति ना पंचायत की चोड़ हुई संपत्ति ना पंचायत, ठीक है। तो अच्छा सर, अपने तुम जिम का समान मिलया? हाँ जी, जिम का समान सू बहुत मिले। अच्छा जी, जिम साढ़े दो है जी। अच्छा, एक एससी बच्चों वास्ते वखरा वा, वखरा वा, उन्होंने कमरे बना के दिते, उन्होंने जिम का समान भी रख के अपनी टर्म साढ़ी टर्म दिता, तो श्रोमणी अकाली दल की टर्म की टर्म जी हो सर, ठीक है। तो सर असी जिन्या काम तुम दसे ने
ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਮੈਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਫੋਕਸ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਸਹਿਬਾਜਪੁਰ ਖੁਰਦ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਡਲ ਤੱਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 10th ਤੱਕ ਕਰਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੱਸ 2 ਤੱਕ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਸਕੂਲ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪਲੱਸ 2 ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਖਿਆਈ ਨਾ ਝੱਕਣੀ ਪਵੇ, ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਕਿਤੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਦੋਨੇ ਸਕੂਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਿ ਅਸਲੀ ਘਰ ਸਾਡਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਬੜੀ ਇਹ ਅਨੋਖੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਲਾਉਣਾ, ਕਿ ਕੋਈ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਰਾਂਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖਿਆਈ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਪੰਚ ਬਣੇ ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਪੜ ਪੂਰ ਕੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਐਸ ਸੀ ਦੋਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਬਰਾਂਡੇ ਬਰੂੰਡੇ ਬਣਵਾ ਕੇ, ਨਲਕੇ ਲਵਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਪੱਕੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਥੱਲਿਓ ਸਾਰੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।